हम ह्यूमन हिस्ट्री में एक क्रिटिकल पॉइंट पर खड़े हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगली कुछ सेंचुरीज ये डिसाइड करेंगी कि हम एक बेसिक सिविलाइजेशन के रूप में बने रहेंगे या कुछ और अधिक प्रभावशाली बनेंगे। क्या आपने कभी टाइप जीरो सिविलाइजेशन के बारे में सुना है? ये स्टोन एज में जीने के समान है। हालांकि हमारे स्टोन एज की तुलना में निश्चित रूप से तकनीकी प्रगति हुई है, जो हमें टाइप 0.73 में कैटेगराइज करता है। यानी अभी हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अभी भी ज्यादातर कोयला और तेल जैसे पुराने जमाने के फ्यूल्स पर डिपेंडेंट हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती है और हम ज्यादा स्मार्ट होते जाते हैं, हमें अपनी सभी चीजों जैसे कार, फैक्ट्रीज और फोन को पावर देने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। कार्डेशेव स्केल ये मेजर करता है कि कोई सिविलाइजेशन कितनी एडवांस्ड है। ये इस बात पर आधारित है कि वो कितनी एनर्जी को यूज कर सकती है। इस स्केल का इन्वेंशन 1964 में निकोलाई कार्डेशेव नामक वैज्ञानिक ने किया था, ताकि हमें यह समझने में मदद मिल सके कि यूनिवर्स में दूसरे सिविलाइजेशंस कितनी एडवांस्ड हो सकती है। सो बेसिकली हम जितनी ज्यादा एनर्जी को यूज कर सकते हैं, हम उतने ही ज्यादा स्मार्ट और एडवांस्ड बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम टाइप 3 के एडवांसमेंट और अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चैनल पर मौजूद टाइप 1 और टाइप 2 सिविलाइजेशन वाली वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। बहरहाल, हम बढ़ते हैं आज के वीडियो में। टाइप 3 सिविलाइजेशन अपनी गैलेक्सी द्वारा एमिटेड सभी एनर्जी को इकट्ठा करने और हार्नेस करने में कैपेबल होगी, जो 10^37 वाट के बराबर है। कार्डेशेव स्केल के ओरिजिनल प्रपोजल में ये सिविलाइजेशन का फाइनल टाइप है। इसमें पूरे गैलेक्सी तक फैली स्ट्रक्चर्स या नेटवर्क्स का निर्माण शामिल हो सकता है। इमेजिन करें कि एक संपूर्ण गैलेक्सी जिसमें हर एक सोलर सिस्टम को कम्प्लीटली डिसमेंटल किया गया हो और हर एक स्टार एनर्जी एक्सट्रैक्टिंग सोलर सेल्स के डाइजन क्लाउड में इनक्लोज्ड हो रखा हो। क्या आप सोच भी सकते हैं कि यह सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल होगी? टाइप 3 सिविलाइजेशन अल्टीमेट स्पेस बॉस की तरह है। वे कुछ सीरियसली माइंड ब्लोइंग चीजें कर सकते हैं, जैसे फ्यूजन और एक्सोटिक एनर्जी सोर्सेस को हार्नेस करना, अक्रॉस द गैलेक्सीज इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और यहां तक कि पूरी गैलेक्सीज को अपनी इच्छा अनुसार आकार देना। वे केवल अपने पड़ोस तक ही सीमित नहीं है, वे वॉर्म होल्स को यूज करके इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल कर सकते हैं, ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सब स्पेस के जरिए इंटरगैलेक्टिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं और कुछ प्रकार की प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी जिसे हम अभी तक नहीं जानते, उसका इस्तेमाल करके वे लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल कर सकते हैं। वे कुछ घंटों या दिनों में ही गैलेक्सी की यात्रा करने में कैपेबल होंगे और बेसिकली कॉस्मिक स्केल पर जो चाहे कर सकते हैं। 2015 के एक अध्ययन में एस्ट्रोनॉमर्स ने अनुमान लगाया कि हमारे लोकल यूनिवर्स में ऐसी सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस एक्सट्रीमली रेयर है। लेकिन अगर उनका एग्जिस्टेंस है तो गैलेक्सीज उनके लिए साधारण घरों की तरह होंगी और प्लैनेट्स उनके रास्ते के पत्थरों के अलावा कुछ नहीं होंगे। उनके पास स्पेस और टाइम के फैब्रिक को मैनिपुलेट करने, स्टार्स की मूवमेंट्स को कंट्रोल करने और यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली घटनाओं जैसे सुपरनोवा और ब्लैक होल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की क्षमता होगी। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि यदि हम सिविलाइजेशन के इस लेवल पर पहुंच गए तो और क्या हो सकता है। ये अनुमान लगाया गया है कि यदि हम तब तक अपनी प्रजाति को बनाए रख सकें तो मनुष्य को इस लेवल तक पहुंचने में लगभग मिलियन ईयर्स लग सकते हैं। अभी हम स्पष्ट रूप से ऐसी कोई भी सिविलाइजेशन को नहीं देख सकते हैं और इसके दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हैं। या तो ऐसी कोई सिविलाइजेशन है ही नहीं जो इस लेवल तक पहुंची हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये एडवांस्ड प्राणी इतनी तेजी से और इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हुए हों कि वे अपने ट्रैक को कवर करने में सक्षम हैं और अज्ञात बने हुए हैं। ये कॉस्मिक ट्रैवलर्स एनर्जी पर अपनी अद्वितीय पहुंच के साथ गैलेक्सीज में व्यापक रूप से फैलकर एक्सटिंक्शन से बचने का प्रबंधन करते हैं। उनके हजारों या लाखों वर्षों के एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल और क्रेजी एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ का परिणाम उनकी टाइप जीरो रूट से पूरी तरह से अलग हो सकता है। उन्हें एआई गॉड्स की तरह सोचा जा सकता है, जो सिंगुलैरिटी के कई स्टेजेस से गुजर चुके हैं, जो एआई के लेवल 7 से एक्सीड करता है। उनकी दुनिया में एंड्रॉइड्स, साइबॉक्स और रेगुलर ओल्ड ह्यूमंस सभी को उनकी एपिक स्पेस जर्नी में
मामूली खिलाड़ी माना जा सकता है। बायोलॉजिकल ह्यूमंस को शायद उनके एआई काउंटरपार्ट्स द्वारा इन्फीरियर या अनइवॉल्व्ड के रूप में देखा जाएगा। और एक होपफुल सिनेरियो ये है कि इमेजिनेटिव ह्यूमंस ने उन्हें कोऑपरेटिव और म्यूचुअली बेनिफिशियल सोसाइटी में दयालु बनाए रखने के लिए अपने एआई मास्टर्स के साथ कोएग्जिस्ट करने का एक तरीका ढूंढ लिया होगा। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि एआई एवोल्यूशन के एक घातक चरण के दौरान मनुष्यों का सफाया कर दिया गया होगा, जिससे ये नई नस्ल कई महीनों में सुपीरियर हो जाएगी और एक प्रमुख प्रजाति बन जाएगी। ऐसी भी संभावना है कि मनुष्य पूरी तरह से अलग फॉर्म में इवॉल्व हो जाएं और एक प्योर एनर्जी से बने प्राणी बन जाएं, जो सिविलाइजेशन के एक्सपेंशन के लिए मशीन्स को कंट्रोल और डायरेक्ट करने में सक्षम होंगे। फ्यूचर में रोबोट्स या एआई ग्रुप्स जो खुद की कॉपीज बना सकते हैं, वे पूरी गैलेक्सीज में फैल जाएंगे और एक एक करके स्टार सिस्टम पर कब्जा कर लेंगे। वे नेटवर्क में महत्वपूर्ण नोड्स तक अतिरिक्त ऊर्जा ले जाने के लिए प्रत्येक स्टार्स को घेरने के लिए डायसन स्फीयर का निर्माण करेंगे। अब तक कम्युनिकेशन और मोबिलिटी दोनों के लिए फास्टर देन लाइट ट्रैवल के विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाएगा। टाइप 3 सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड हो सकती है कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल से एनर्जी को हार्नेस कर सकती है, जो कॉस्मिक पावर हाउसेस की तरह हैं। वे ऐसी सिविलाइजेशन की इमेंस एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं जो आज हम जो यूज करते हैं उससे अरबों गुना ज्यादा हो सकती है। वे ब्लैक होल के चारों ओर घूमते मैटर्स द्वारा एमिटेड एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए उसके पास कलेक्टर सेटअप कर सकते हैं, जैसे डायसन स्फीयर्स काम करते हैं। सिविलाइजेशन से कोई भी एक्स्ट्रा या वेस्ट एनर्जी ब्लैक होल में वापस भेज दी जाएगी। वे इस एनर्जी के एक हिस्से का उपयोग अपनी स्पेस ट्रैवल को पावर देने के लिए भी कर सकते हैं। हाई पावर्ड बीम के रूप में डायरेक्टेड इस एनर्जी का एक हिस्सा अपने स्पेसशिप को चलाने के लिए कर सकते हैं। ये एडवांस्ड सिविलाइजेशन एक प्रकार का गैलेक्टिक क्लब बना सकती है, जो गैलेक्सीज के भीतर नेटवर्क के थ्रू एनर्जीज ट्रांसमिट कर सकती है। इन सभी पॉसिबिलिटीज के साथ आप सोच सकते हैं कि टाइप 3 सबसे पावरफुल और एडवांस्ड सिविलाइजेशन होनी चाहिए। यहां तक कि खुद कार्डाशेव का भी मानना था कि सिविलाइजेशन केवल 3 प्रकार की हो सकती है। लेकिन क्या कोई और सिविलाइजेशन उन सभी से भी ज्यादा एडवांस्ड हो सकती है, एक प्रकार की चौथी सिविलाइजेशन? अपने ओरिजिनल स्केल में निकोलाई कार्डाशेव ने सिविलाइजेशन के केवल 3 लेवल्स को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उनका मानना था कि पूरी गैलेक्सी की एनर्जी किसी भी लाइफ फॉर्म्स की जरूरतों को पूरा कर सकती है। लेकिन कुछ अन्य वैज्ञानिक बहुत आगे बढ़ गए और टाइप 3 से कहीं आगे की सिविलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज की कल्पना करते हुए स्केल को अपडेट किया और टाइप 4 और उससे ऊपर की सिविलाइजेशंस की थ्योरी पेश की, जिसके बारे में हम अपने फ्यूचर के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो फ्यूचर के वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर एनेबल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपना सुझाव कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।